वैलेंटाइन डे के साथ आया ये जो हफ्ता है ये कई लोगों के लिए बहुत ही नाजुक रहने वाला है। ऐसे में क्या है ना कि जोश जोश में लोग बहुत कुछ कर जाते हैं जिसका फल अच्छा है या बुरा ये बाद में पता चलता है। ऐसे में किस तरीके से हर राशि को समझदारी दिखानी चाहिए प्यार और उससे जुड़ी सारी की सारी चीजों में इस वैलेंटाइन के वीक में आइए जानते हैं इस सप्ताह के हैप्पी स्कोप। एरीज यानी कि मेष राशि, इस सप्ताह आपको संयम रखने की सलाह दी जा रही है। जॉब में है अगर आप तो प्रोजेक्ट्स में अनदेखी रुकावटें आ सकती हैं। ऐसे में डेडलाइंस को लेकर थोड़ा सतर्क रहिएगा और जितना हो सके उतना काम जो है वो जरूर पूरा कर लीजिएगा। सीनियर्स की ओर से मदद जरूर मिलेगी तो चिंता ना करें। बिजनेस में है आप तो बिना जांच पड़ताल की किसी भी प्लान में इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। पार्टनर से या फिर सहयोगियों से थोड़ी चिढ़न आपको हो सकती है मगर अपना नुकसान न कर बैठिएगा इस सारी चीज में। स्टूडेंट है अगर आप तो आपके लिए घर से कुछ अच्छी खबर जो है वो आ सकती है। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा सतर्क रहें, किसी तीसरे के कहने में आकर घर में मन मुटाव की स्थिति हो सकती है। माता पिता संग संबंध ठीक रहेंगे। स्वास्थ्य के हिसाब से घर परिवार में छोटी मोटी बीमारी जो है वो आ सकती है। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, ये सप्ताह मेंटली और इमोशनली आपके लिए बहुत सारी सौहार्दता लेकर आ रहा है। जॉब में है आप तो कोई इंक्रीमेंट या पुरानी इन्वेस्टमेंट जो है उसका रिटर्न आपको इस सप्ताह मिल सकता है। साथ ही सीनियर्स की ओर से सराहना जो है वो भी आपको मिल सकती है। बिजनेस में है अगर आप तो आपके लिए सप्ताह में नए आइडियाज के ऊपर काम करने को बढ़ावा दिया जा रहा है। अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर थोड़ा सा ध्यान दें और बेहतर प्लानिंग जो है उसको करें। आपको कोई एक्साइटिंग ऑफर भी आ सकता है। स्टूडेंट है अगर आप तो आपको आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी या पोजीशन के बारे में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह रहेगा ये। आपके पार्टनर संग आपका सामंजस्य और अच्छा बनेगा। आपस में बहुत प्यार भरे पल भी आप बिताएंगे। खासकर सिंगल लोगों के मन को कोई भा सकता है इस सप्ताह। माता पिता आपकी सराहना करेंगे और स्वास्थ्य के हिसाब से सब कुछ ठीक रहेगा। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत काफी अच्छी रहेगी और आपको अपने कई गोल्स जो है वो पास आते दिखेंगे। जॉब में है अगर आप तो ये सप्ताह आपको आपके सीनियर्स और कलीग्स की ओर से काफी मदद मिल सकेगी जिससे आप पुरानी प्रोजेक्ट्स जो है उनको भी पूरा कर पाएंगे। यात्रा के योग भी हैं आपके लिए। ऐसे में ध्यान से आगे बढ़ें। बिजनेस में है अगर आप तो जमीन या फिर कपड़े से जुड़े होने के कारण लाभ की संभावना है। अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे आपके। शेयर ट्रेडिंग में अगर हैं आप तो एक्सपर्ट से सलाह लेकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं इस सप्ताह। स्टूडेंट है अगर आप तो इस सप्ताह आपको अच्छे दोस्तों का साथ ही अच्छे भविष्य की ओर लेकर जाएगा। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा सप्ताह है ये। किसी नए रिश्ते के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पुराने संबंध पक्के हो जाएंगे। माता पिता संग संबंध ठीक रहेंगे। स्वास्थ्य के हिसाब से अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखिएगा। कैंसर यानी कि कर्क राशि, सप्ताह मिला जुला सा रहेगा आपके लिए। ऐसे में अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। जॉब में है आप तो आपके आसपास पॉलिटिक्स थोड़ी सी बढ़ सकती है इससे आपका आने वाला भविष्य जो है वो थोड़ा सा परेशानी भरा रह सकता है। थोड़ा समझदारी से काम लें और गॉसिप से दूर रहें। बिजनेस में है अगर आप तो नए किसी भी काम को करने से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह ले लीजिए। बड़ी पोजीशन या फिर किसी बुजुर्ग से आपको पैसे या इन्वेस्टमेंट मिल सकते हैं। स्टूडेंट है अगर आप तो सप्ताह ठीक रहेगा। फोकस को बनाए रखें। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। पार्टनर या क्रश के मन को भांप कर ही आगे बढ़िएगा। बच्चों की ओर से कोई अच्छी खबर आ सकती है। माता पिता आपसे घर के लिए इन्वेस्ट करने को कह सकते हैं। स्वास्थ्य के हिसाब से अपनी बीपी और डायबिटीज का ख्याल रखिएगा। लियो यानी कि सिंह राशि, इस सप्ताह अपने टाइम और मनी दोनों की ही मैनेजमेंट स्किल्स जो है उनको बेहतर बनाइए। जॉब में है आप तो आपके प्रोजेक्ट्स को थोड़ी सी मुश्किल से गुजरना पड़ सकता है। हो सकता है कि फंडिंग या फिर परमिशंस में आपको समस्या आए। ऐसे में सीनियर्स से रिश्ते बेहतर बनाकर काम करवाएं। बिजनेस में है आप तो अपने मन की आवाज को सुने। हो सकता है कि आपको किसी प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट को लेकर अच्छा ना लग रहा हो, कोई कमी लग रही हो तो उसके साथ आगे ना बढ़ें। स्टूडेंट हैं आप तो आपको अपने फोकस को बनाए रखने की जरूरत है क्योंकि हो सकता है कि कंपटीशन का प्रेशर बढ़ जाए। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह ठीक रहेगा मगर संयम से काम लें। बिना सोचे समझे कोई भी नई वस्तु या गिफ्ट को ना खरीदें क्योंकि बाद में नुकसान हो सकता है। माता पिता आपसे घर की जिम्मेदारियों को लेने की बात कर सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वर्गो यानी कि कन्या राशि, इस सप्ताह कई सारी पुरानी परेशानियों से निजात मिलेगा आपको। जॉब में है आप तो आपके लिए कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई पुराना प्रोजेक्ट आ जाए जिसको पूरा करने का टैलेंट एंड स्किल सिर्फ आप में हो। बिजनेस में है आप तो आपके लिए ये समय अच्छा प्लान बनाकर उसे एग्जीक्यूट करने का है। आपको बाहरी मदद भी मिलेगी जिससे अभी चल रहा बिजनेस भी बेहतर होगा और आगे बढ़ेगा। स्टूडेंट है आप तो आपके लिए सही मेंटोर या सही स्टडी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। प्रेम संबंधों में पुराना मन मुटाव हटेगा। शादी के लिए अगर प्रयास कर रहे थे तो अच्छा रिश्ता जो है वो मिल सकता है आपको। माता पिता संग संबंध ठीक रहेंगे। स्वास्थ्य के हिसाब से गले का ख्याल रखें।
लीब्रा यानी कि तुला राशि, आपके लिए इस सप्ताह पुरानी चीजों का हिसाब खत्म करने और नई चीजों का हिसाब शुरू करने का रहेगा। जॉब में हैं आप, खासकर चेंज ढूंढ रहे हैं तो अच्छी खबर जल्दी मिलेगी आपको। आपके किसी खास दोस्त या फिर पुराने सहयोगी से ये मौका जो है आपको आ सकता है, तो सभी से बना कर चलें। बिजनेस में हैं आप तो आपको अगर आगे बढ़कर कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़े तो पीछे मत हटें, सही दिशा निर्देश लेकर आप अपने लिए फायदा कमा सकते हैं। स्टूडेंट हैं आप तो आपके लिए ये सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि प्रयास करने से आप किसी बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत अच्छा है, पुराने समय से रुके हुए रिश्ते आगे बढ़ेंगे, आप अपने रिश्ते को शादी की ओर भी ले जा सकते हैं। माता पिता संग थोड़ा संयम से पेश आएं, वो आपकी भलाई के लिए कुछ कड़वी बातें भी कह सकते हैं तो उन्हें प्रेम से सुनिएगा। स्वास्थ्य के हिसाब से अपनी दिनचर्या को ठीक करें वरना पेट की परेशानी आ सकती है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा अपने गेम को बेटर बनाने का रहेगा। ये याद रखिए कि थोड़ी सी कोताही अगर आपने बरती तो आपका कंपटीशन जो है वो आपसे आगे निकल सकता है। ऐसे में जॉब में हैं आप तो अपने नए जॉब चेंज या फिर अपॉर्चुनिटीज के बारे में ज्यादा डिस्कस ना करें। बिजनेस में हैं आप तो याद रखें कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ऐसे में अपने पैसे को सोच समझ कर ही कहीं पर भी निवेश कीजिएगा। प्रेम भाव में अपने सामर्थ्य से ज्यादा किसी की मदद ना कर बैठिएगा, बाद में तंगी आ सकती है पैसे की। स्टूडेंट हैं आप तो आपके लिए इस सप्ताह नई नई चीजों की ओर जो है ना आपको अट्रैक्शन रहेगा, तो ऐसे में फोकस जो है उसको बनाए रखें। प्रेम संबंध ठीक रहेंगे, अगर किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो पहले ये जरूर चेक कर लें कि क्या वो उसी हिसाब से आपके बारे में महसूस करते हैं जैसा कि आप। कमिटेड हैं तो पार्टनर थोड़ा सा डिमांडिंग हो सकते हैं, मगर परेशान ना हो, माता पिता संग संबंध ठीक रहेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सजिटेरियस यानी कि धनु राशि, आप अपनी मेहनत को प्रायोरिटी दें ना कि लक को। जॉब में हैं आप तो आपके आसपास थोड़े भड़काऊ लोग जो हैं वो आ सकते हैं, ऐसे में अपना संयम ना खोएं और अपने स्थान पर अडिग होकर बने रहें। ऐसा भी हो सकता है कि नई अपॉर्चुनिटीज आए आपके लिए, मगर उन्हें एक्सेप्ट करने से पहले थोड़ा सा छानबीन जो है वो कर लें। बिजनेस में हैं आप तो किसी से भी वाद विवाद को आपसी सहमति से सुलझा लें, इससे आप आने वाले समय में नुकसान से बच पाएंगे। स्टूडेंट हैं आप तो नई जगह या फिर नए सब्जेक्ट के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा समय जो है वो लग सकता है, थोड़ी परेशानी आ सकती है, मगर मेहनत से आप इसके आगे निकल पाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा, खासकर इस सप्ताह आप अपने पार्टनर जो है उनके साथ और भी पास आ पाएंगे और उनसे अपने मन की बातों को शेयर कर पाएंगे। माता पिता आपसे घर के लिए कुछ निवेश करने को कह सकते हैं, अपना सामर्थ्य देख कर आप इसे जरूर करें। स्वास्थ्य के हिसाब से सर और कानों का ख्याल रखिएगा। केप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, इस सप्ताह आपको थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होने की सलाह दी जा रही है। कोई भी ऐसा निर्णय ना लें जिससे आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ना मिल रहा हो। जॉब में हैं आप तो अभी के लिए तो चेंज ना करें, कोई नई अपॉर्चुनिटी दिख भी रही हो तो उसके लिए इंतजार करें, पहले देख लें कि जगह सही है या नहीं। बिजनेस में हैं आप तो आपको जरूरत से थोड़ा अपनी जेब को टाइट रखना पड़ेगा, उन जगहों से पैसा वापस खींचना शुरू कर दें जिनसे आपको फायदा नहीं हो रहा है। स्टूडेंट हैं आप तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत जरूरी होगा, किसी ऐसी जगह से आपको खबर आ सकती है जहां से आपको अपने भविष्य का रास्ता और भी साफ होता दिख रहा हो। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह ठीक ठाक रहेगा, पार्टनर संग थोड़ा नरमी से पेश आए वरना मन मुटाव बढ़ सकता है। नए किसी रिश्ते में हैं आप तो ज्यादा एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा ना शेयर कर दें जो कि बाद में आपको पछतावे की ओर ले जाए। स्वास्थ्य के हिसाब से सब कुछ ठीक रहेगा। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, ये सप्ताह आपको बहुत व्यस्त रखेगा मगर आपको मजा भी आएगा। जॉब में हैं आप तो नए नए प्रोजेक्ट्स और नई जगहों की यात्रा जो है वो आपके लिए हो सकती है, ऐसे में आपके सीनियर्स और कलीग्स काफी मदद करेंगे आपकी, मगर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आप पर ही सारा भार छोड़ दें। बिजनेस में हैं आप तो आपको अगर किसी नई जगह पर इन्वेस्टमेंट का मौका मिले उसे छोड़े नहीं। हो सकता है कि इस सप्ताह डॉक्यूमेंटेशन को लेकर परेशानियां आए, मगर दोस्तों से मदद लेकर आप इसे ठीक कर लेंगे। स्टूडेंट हैं आप तो इस सप्ताह परीक्षाओं को लेकर स्ट्रेस रह सकता है, तो मेहनत करते चलें। प्रेम संबंध ठीक रहेंगे, पार्टनर को ये शिकायत हो सकती है कि आप बिजी हैं, मगर प्रेम से उन्हें समझाएं। लंबे समय से रिश्ता ढूंढ रहे थे तो खुशखबरी आ सकती है, माता पिता संग थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा आपको, कुछ छोटी मोटी चीजों के लिए उनको आपके सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। स्वास्थ्य के हिसाब से त्वचा और बालों का ख्याल रखें। पाइसीज यानी कि मीन राशि, ये सप्ताह आपके लिए एक ही सलाह लेकर आ रहा है कि किसी भी गॉसिप में या नेगेटिविटी में बिल्कुल अपने आप को ना फंसाएं। जॉब में हैं आप तो आपके लिए किसी भी कलीग या सीनियर से पंगा लेना भारी पड़ सकता है, ऐसे में कोशिश यही करें कि आप पर किसी तरीके का नाम ना आ जाए। बिजनेस में हैं आप तो आपको नई जगहों पर निवेश करने से लाभ होगा, आपको विदेश से भी निवेश आ सकता है, तो ऐसे में उसका भी बेहतर इस्तेमाल करने के लिए रेडी रहें। किसी जरूरी काम से यात्रा का योग भी बन सकता है। स्टूडेंट हैं आप तो ये समय ग्रुप स्टडीज को थोड़ा इम्पोर्टेंस देने का है, इससे ही आपकी परफॉर्मेंस और भी इम्प्रूव होगी।
प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, पार्टनर की ओर से कोई गिफ्ट या जरूरी निवेश भी आपको मिल सकता है। किसी नए रिश्ते की तलाश में है तो मन पसंद कोई टकरा सकता है। माता पिता संग संबंध ठीक रहेंगे। स्वास्थ्य के हिसाब से मौसमी बीमारियों से बचकर रहिएगा।